29 दिसंबर की रात हुए मुंबई के कमला मिल्स अग्निकांड में नया खुलासा हुआ है। घटना के एक हफ्ते बाद फायर ब्रिगेड की एक रिपोर्ट में मुंबई अग्निकांड पर कई अहम खुलासे किए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बीते दिनों मुंबई के कमला मिल स्थित पब में आग लगने की एक नई वजह का खुलासा हुआ है। दरअसल पहले पब में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पब में हुक्कों की वजह से आग लगी थी। जी हां, कमला मिल्स अग्निकांड पर रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजो बिस्ट्रो में हुक्कों की वजह से आग लगी थी। रिपोर्ट में दोनों पब में नियमों की धज्जियां उड़ाने की भी बात सामने आई है। कमला हादसे में फायर ब्रिगेड की जांच के मुताबिक आग मोजो बिस्ट्रो में हुक्कों की वजह से लगी है, जबकि मुंबई में हुक्का पार्लर अवैध है। मोजो के पास शराब सर्व करने का लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन वो भी वही सर्व की जा रही थी। जिस वक्त आग लगनी शुरू हुई उस समय मोजो में हुक्का सर्व किए जाने की तैयारी की जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार हुक्का सिगड़ी में कोयले को आंच देने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा था, इससे चिंगारी उठकर पर्दों में लगी। मोजो से वन अबव पहुंची थी आग। दोनों रेस्टोरेंट में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। यही नहीं, इमरजेंसी एग्जिट को जाने वाले रास्ते पर भी सामान भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक बारटेंडर जो आग के खेल खेल रहे थे वो भी अवैध हैं। आग को बुझाने में अग्निशामक यंत्र नाकाम रहे। चश्मदीदों के मुताबिक आग बड़ी तेजी से ऊपर चल रहे वन अबव में पहुंच गई थी।